गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ये है लेक्चर 11 इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए बेसिक पुट एपीआई विद मोंगो डी बी यूजिंग नोट जेस एंड एक्सप्रेस तो लास्ट वीडियो में गाइस मैंने पोस्ट एपीआई क्रिएट की थी डेटा को इंसर्टेड करने के लिए एंड उससे लास्ट वीडियो में मैंने गेट ए यूज़ की थी एंड क्रिएट की थी डेटा को रीड करने के लिए देन गाइज इस वीडियो में हम डेटा को करने वाले हैं अपडेट उसके लिए गाइज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक पुट ए तो फाइल हमारी सेम है कोड भी सेम है ओके इसी में हम यहाँ पर एक पुट एपीआई क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ पुट एपीआई, ओके देन गाइस हमें यूज करना होगा एप स्टेंस वेरिएबल का और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा सॉरी पोस्ट नहीं पुट पुट मेथड को ठीक है और विद इन द डबल कोट्स एंड द सिंगल कोट्स यहाँ पर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक राउट कोमे के थ्रू सेपरेट करेंगे और एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे ओके okay. और यहाँ पर सेंटेक्स गलत हो चुका है प्लस की जगह इक्वल है और यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा रिक्वेस्ट हैंडलर को एंड रेस्पॉस हैंडलर को एज ए पैरामीटर रैक एंड रेस ओके तो यहाँ पर हमारी पुट एपीआई क्रिएट हो चुकी है अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये डेटा क्लाइंट को सर्वर के थ्रू रेस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है तो रेस्पॉन्स पैरामीटर का यूज करेंगे एंड सेंड मेथड का यूज करके यहां पर हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और तो यहां पर मैं कह देता हूं कि डेटा इज सेंड टू क्या क्लाइंट बाय सर्वर ओके ठीक है कंट्रोल प्लस प्रैक्टिस का यूज करेंगे तो नॉर्मल हमारा ओपन हो चुका है सॉरी टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नोडमन का एन ओ डी ई एम ओ एन नोडमन और हमारी फ़ाइल का नाम है रेस्ट ए पी आई डॉट जे एस एंटर करेंगे तो नोडमन चालू हो चुका है यदि आपको नहीं पता कि नोटमन कैसे इंस्टॉल होता है किस तरीके से वर्क करता है क्यों इसका हम यूज़ करते हैं तो प्लीज़ नोट जे की प्ले को जाकर एसिस करें और अपने डाउट को क्लियर करें ठीक है भाई तो नोटबन हमारा स्टार्ट हो चुका है अब यहाँ पर मैं ओपन करूँगा पोस्टमैन को तो न्यू एच टी टी पी रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है देन एच टी टी पी और उसके बाद हमारा नोटबन ओपन तो हमारा यहाँ पर पोस्टमैन ओपन हो चुका है गेट की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पुट का क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है अपडेट करना है ठीक है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यू आर एल को लोकल सर्वर का जो यू आर एल आपका उसको तो यहाँ पर मेरा जो रूट है वो है गेट डेटा मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है ठीक है कैन नॉट पुट गेट डेटा कि यहाँ पर डेटा पुट नहीं कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते हाँ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है तो गेट डेटा फिर से इसको कंट्रोलेस करेंगे और मैं फिर से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो यहाँ पर सर्वर ने क्लाइंट को रेस्पॉन्स दिया है डेटा इज सेंड टू तो क्लाइंट बाय सर्वर ओके यानी कि हमारे क्लाइंट को रेस्पॉन्स मिल रहा है सर्वर के थ्रू यानी कि हमारी एपीआई क्या कर रही है वो काम कर रही है वर्क कर रही है ओके अब बात करते हैं डेटा को अपडेट करने की ठीक है तो चेक कर लेते कि हमें कौन सा डेटा अपडेट करना है मांगो डी बी टूल को ओपन करते हैं ओके okay. कनेक्ट करेंगे यहाँ से इसको देन उसके बाद डेटा पर जाएंगे और हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं कॉलेज डेटा पर और हमारी यहाँ एक कलेक्शन है स्टूडेंट और ये या हमारा यहाँ पर डेटाबेस है और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेंगे और मैं इसको टेबल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्स एंट्रीज़ हैं और यहाँ पर हमें डेटा को क्या करना है अपडेट करना है तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि प्रिंसिपल ने मुझे आगे कहा कि भाई जो रमेश नाम का लड़का था उसका रमेश नाम नहीं है उसका नाम मोहन है आप इसको चेंज कर दो बाकी रोल नंबर सेम है क्लास भी सेम है लेकिन नेम मिस्टेक हो गया है रमेश नहीं है मोहन है इसको चेंज कर दो तो अब हम क्या करेंगे पोटेपी का यूज़ करके उसको चेंज कर देंगे देखिए कैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पर उस मॉड्यूल को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमने कनेक्शन ऐप डॉट जे फाइल में एक्सपोर्ट किया था ठीक है तो ये हमारी कनेक्शन ऐप डॉट जे फाइल है ये मॉड्यूल है हमारा डी कनेक्शन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज इसको मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा डी कनेक्शन तो इस मेथड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया डिफाइन कर दिया और ये एक प्रोमिस है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अवेट का और एवेट को हम यूज़ करते हैं एसिंक फंक्शन के अंदर ठीक है अब हमें क्या करना है डेटा को अपडेट करना है मोंगो डी में तो हमारा यहाँ पर हमने डेटा को एसेस भी कर लिया है और ये जो हमारा डी कनेक्शन मेथड है ये मोंगो डी के साथ कनेक्शन भी बिल्ड करा देगा ओके ठीक है तो कोस्ट की का यूज़ करके यहाँ पर मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा देन यूज़ करूँगा डी बी वेरिएबल को और कॉल करूँगा अपडेट वन मेथड को अभी हम यहाँ पर एक डेटा को अपडेट करने वाले हैं और सिंटेक्स क्या है कली ब्रेसिस का यूज़ करना है हमें चेंज करना है नाम तो नेम कौन सा नेम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं रमेश ठीक है रमेश हमें इस नाम को चेंज करना है रमेश नाम को कैपिटल में है तो कैपिटल कर देंगे कॉमे के थ्रू सेपरेट करेंगे देन फिर से कर ली ब्रशेज अब यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट ऑपरेटर का डॉलर सेट ये क्या करता है ये वैल्यू को सेट करता है यानी कि जो भी वैल्यू में अपडेट करनी होती है उस वैल्यू को सेट करता है ठीक है क्या वैल्यू सेट करनी है वो हम इसको बताएंगे इस नाम रमेश नाम की जगह यहाँ पर आपको सेट करनी है भाई रमेश की जगह मोहन ओके एस करेंगे और देन गाइस उसके बाद मैं जाऊंगा पोस्टमैन पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है एक काम करते हैं इसको कट कर देते हैं और मैं दोबारा से पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ ठीक है एच टी डी भी सिलेक्ट करेंगे एंड पुट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यू आर एल एंटर करेंगे अपने किसका लोकल सर्वर का गेट डेटा ठीक है ये हमारा जोरल है तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो यहाँ पर दे रहा है डेटा इज सेंड टू तो क्लाइंट बाई सर्वर ठीक है अब चेक करते हैं मंगो डी में कि हमारा डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ रमेश की जगह क्या आ जाए मोहन आ जाए रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा अपडेट हो चुका है रमेश की जगह क्या आ चुका है मोहन आ चुका है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट को भी पता चले कि हाँ भाई सर्वर क्या हुआ है सॉरी डेटा क्या हुआ है वो अपडेट हुआ है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा रिजल्ट वेरिएबल इसको मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सेव करेंगे एंड देन उसके बाद अब मैं कहता हूँ कि जहाँ पर मोहन है वहाँ पर क्या हो जाए एम बड़ा है तो वहाँ पर हो जाए मोहन दास ठीक है मोहन दास हो जाए कंट्रोल एस करेंगे और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अब देखो ये क्या कह रहा है ये पेंडिंग दिखा रहा है पेंडिंग यानी कि हमारी जो प्रोमिस है वो पेंडिंग चली गई देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसको कॉपी करते हैं और इसको कंसोल में डालते हैं कंसोल डॉट लॉग ओके तो यहाँ से मैं क्या करूँगा रिक्वेस्ट को सेंड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है प्रोमिस पेंडिंग दिखा रहा है ओके तो एक काम करते हैं यहाँ पर यूज़ करेंगे देखो ये प्रोमिस है एक तो यहाँ पर मुझे अवेट का यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल एस करूँगा मैं एंड दैन उसके बाद रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि मोडिफाइड काउंट वन ये कह रहा है कि मोडिफाइड हो चुका है एक मोडिफाइड हुआ है ठीक है मैच काउंट वन यानी कि एक मैच हुआ था इसी को हमने क्या कर दिया है मॉडिफाइड कर दिया है तो मोंगो टी में जाएंगे और यहाँ पर मोहन है भी तो क्या हो जाना चाहिए मोहनदास हो जाना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मोहनदास हो चुका है तो ये तो गाय हमने इस्टेटिकली डेटा को अपडेट किया है लेकिन डायनेमिकली डेटा को अपडेट कैसे करेंगे तो गायज़ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे जो भी डेटा अपडेट कराना है जैसे मुझे इस नाम को अपडेट कराना है तो मुझे यहाँ पर नाम को भी क्या करना पड़ेगा रिकोगनाइज़ कराना पड़ेगा देखो पोस्ट में क्या हो रहा था पोस्ट में सिंपल था कि तुम ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको इंसर्ट कर दो डायरेक्ट कुछ रिकोगनाइज़ नहीं कराना था किसी की कंपेयर नहीं करानी थी कि हाँ भाई ये नेम है और नेम ही चेंज होना चाहिए लेकिन यहाँ एक हमारे सामने एक समस्या है क्या कि मुझे इस नाम को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा जिसको भी चेंज कराना है जैसे मुझे मोहनदास को चेंज कराना है तो मुझे इसको पहले वहाँ पर मैप कराना पड़ेगा ठीक है इसकी पहचान करानी पड़ेगी पोस्टमैन को जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसको कि भाई इसको चेंज करना है और इसकी जगह ये वैल्यू डालनी है वो भी मुझे बतानी पड़ेगी क्या वैल्यू डालनी है तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है पहले है नाम को मैप कराना अब देखिए नाम कैसे मैप होगा तो भाई नाम मैप होता है राउट के थ्रू ठीक है कैसे उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है पड़म्स तो जहां पर हमने राउट दिया है गेट डेटा तो इसको हम कर देंगे कोलन नेम या जो भी आपको चेंज करना है क्लास चेंज करना है रोल नंबर चेंज करना है ठीक है जो भी आपके फिल्डर उनको चेंज करना है उसको आपको यहाँ पर लिखना है राउट में ठीक ओके देन उसके बाद रिकॉग्नाइज कराना है यानी कि मैप कराना है तो मैप कहाँ पर करा देते हैं हम यहाँ पर तो इस जगह पर ही हम क्या करेंगे यहां पर यूज करेंगे परम्स का परम्स क्या है रैक मैं रिक्वेस्ट दूंगा परम्स रिक्वेस्ट जो कि क्या करेगी देखो परम्स क्या करता है परम्स एक ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि रूट्स के पैरामीटर को मैप करता है रूट के पैरामीटर को मैप करने से मतलब यह है कि इस नाम की वैल्यू में जो भी दूंगा ये परम क्या करेगा उसको मैप कर लेगा मैप करने के बाद उसको यहाँ पर ये डाल देगा ठीक है कि यहाँ पर मैंने नेम फील्ड को पास कर दिया है अब इस नेम की वैल्यू पोस्टमैन के अंदर में जो भी लिखूँगा तो ये परम क्या करेगा उस वैल्यू को मैप कर लेगा और मैप करके वो इस नाम के इक्वल यानी कि जो ये नाम है इसके इक्वल रख देगा तो इस तरह क्या हो जाएगी वैल्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि हाँ भाई ये इस ये वैल्यू है ये नाम है जिसको चेंज करना है ठीक है अब वैल्यू तो मैप हो चुकी है कि इस इस नाम को चेंज करना है लेकिन उस वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू डालनी है वो हम बताएंगे यहाँ सेट ऑपरेटर की जगह पर ठीक है कैसे इसको मैं रफ कर देता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि परम क्या करेगा परम उस राउट पैरामीटर्स की जो वैल्यू है उसको मैप करेगा और उसको यहाँ पर डाल देगा इस नाम के आगे और बता देगा कि भाई ये नाम चेंज करना है ठीक है अब हम सेट कहाँ पर करते थे यहाँ पर यहाँ पर करते थे अब यहाँ पर मुझे बता देना पड़ेगा कि इस नाम की यहाँ पर जो परम ने मैप किया है उस नाम की क्या वैल्यू सेट करनी है तो इसको हटा देना है पूरे को ठीक है इसकी जगह जो मैं बॉडी में नाम दूंगा जो कि मुझे चेंज करना है जैसे मोहन का मोहनदास करना है तो मैं किस में दूंगा बॉडी में और देन उसके बाद मैं क्या करूँगा पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करूँगा और ये यहाँ पर जो नाम दूंगा बॉडी में वो आ जाएगा इसकी जगह और चेंज हो जाएगा किस में मोंगो टी में आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ठीक है तो कंट्रोल एस करते हैं कंट्रोल एस करने के बाद देखो अब यहाँ पर मैं मुझे क्या करना है यहाँ पर मुझे जो राउट है राउट क्या है नाम मुझे नाम देना है मुझे कौन सा नाम चेंज कराना है देखो तो हम करा लेते हैं गीता गीता का कर देते हैं सीता ठीक है गीता का कर देंगे सीता तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले गीता परम हम क्या करेगा इसको मैप करेगा मैप करने के बाद इस नाम के इक्वल रख देगा ठीक है इक्वल आ गई अब मुझे क्या करनी है वैल्यू सेट करनी है ठीक है भाई तो बॉडी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद रॉ और उस देन उसके बाद जैसन टेक्स्ट में जाएंगे जैसन एंड अब मैं कह दूंगा कि जो गीता नाम है गीता नाम को आप क्या कर दो देखो नेम और गीता नाम को आप कर दो भाई सीता ठीक है अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो देखो मोडिफाइ काउंट वन मैच काउंट एक मैच हुआ था वन यानी कि अगर और भी होती ना गीता वो भी चेंज होती लेकिन वहाँ पर हमने वन मेथड यूज़ किया था अपडेट वन तो इसलिए एक ही होगी ये भी ध्यान रखना तो मंगो में जाएंगे और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर गीता का क्या हो गया सीता हो गया तो इस तरीके से हम डायनेमिकली डेटा को चेंज कर सकते हैं अब बात आती है मल्टीपल डेटा को चेंज करने की तो वो कैसा होगा वो भी सिंपल है कुछ नहीं करना है आपको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और वन की जगह मुझे यहाँ पर सिर्फ यूज़ करना है मैनी मैथड का ठीक है बाकी ये सेम रहेगा ओके अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा डेटा देखना है जो कि दो तीन बच्चों का हमें मिल जाए जैसे रोल नंबर है रोल नंबर थर्टी फोर इसका भी है और रोल नंबर थर्टी फोर आमिर का भी है या फिर क्लास क्लास फोर्थ सीता की भी है और क्लास फोर्थ राम की भी है अब मैं चाहता हूँ इन दोनों बच्चों की क्लास फिफ्थ हो जाए या मैं इनको बी में भेज दूँ तो ये मैनी डेटा हो गया इसको कैसे अपडेट करेंगे डायनिंग देखो करना कुछ नहीं है प्रोसेस सेम है वही बस एक तो राउट को पर चेंज करना पड़ेगा राउट की वैल्यू तो इसको कर देंगे हम क्या क्लास और जहाँ नेम में वहाँ भी कर देंगे क्या क्लास क्योंकि ये क्या करेगा परम मैप करेगा इसको क्लास ठीक है ओके अब जाएंगे पोस्टमैन में पोस्टमैन में जाने के बाद मैं कहता हूँ कि जिन बच्चों की क्लास फोर्थ है अब पर हमने क्या किया इसको मैप कर लिया मैप करने के बाद यहाँ पर रख दिया इस क्लास के सामने ठीक है अब जो सेट ऑपरेटर है वो इसको सेट करेगा तो मैं कहता हूँ कि भाई जो फोर्थ क्लास हैं के बच्चे हैं वो फोर्थ में नहीं है उनको किस में भेज दो बी में भेज दो बी एस सी इन मैथ्स एम ए टी एच एस मैथ्स तो जैसे मैं यहाँ पर सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ मॉडिफाई काउंट टू मैच काउंटू यानी कि दो डेटा मैच हुए थे और दो ही थे और दोनों ही क्या हो चुके हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं अब जैसे हम जाएंगे मांगू डी में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फोर्थ फोर्थ है राम और सीता एक ही क्लास में तो मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर बी एस सी इन मैथ्स बी एस सी इन मैथ्स दोनों ही क्लास क्या होगी? है वो चेंज होगी है ओके तो गाइज इस तरीके से आप पुट ए पी आई का यूज़ करके डेटा को अपडेट कर सकते हैं बाई अपडेट वन मेथड एंड बाई अपडेट मैनी मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गया आएगा किस तरीके से कोड हुआ है यदि कहीं भी आपको डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच धन्यवाद